हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन हियर इट इज दैट नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी द मदर प्रोवाइड्स द न्यू बोर्न बेबी एंड हाउ डज इट हैपन। सो कंसिडरिंग हियर, अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस करें तो यू नो दैट जो मदर मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है उसमें होता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। एंड जो कोलोस्ट्रम है इट हैज एंटीबॉडीज एंड दीज, मतलब ये जो है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। सो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से टाइप की इम्यूनिटी जो है मदर प्रोवाइड से मिलती है, तो मदर के मिल्क से मिलती है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो मिल्क होता है मदर का, द मिल्क विच द न्यू बोर्न बेबी गेट्स, जो न्यू बोर्न बेबी को मिलता है फ्रॉम मदर, दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, ठीक है। उसको कोलोस्ट्रम ही बोलते हैं एंड इट कंटेन्स अबंडेंट एंटीबॉडीज, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। तो जो फीटस होता है, जब वो मदर वॉर्म में होता है, ठीक है, जब वो मदर वॉर्म में प्रेजेंट होता है तब भी वो रिसीव करता है एंटीबॉडीज, तब भी थ्रू द प्लेसेंटा, या हम कह सकते हैं वाया प्लेसेंटा। सो इस तरह से जो एक इन्फेंट है वो अपने मदर से ना, मतलब पैदा होने से पहले भी वो उसको एंटीबॉडीज देती है। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।